कपड़ा बांट रहे करते और नगर बिगड़ गए कामाई काऊ की धोती काऊ घर पे कहूं कुरता कहूं पजामाई सवर और नगर गए या कुलाई और चल की भीड़ गई या धोबी दे राम नरेश को कुत्ता सुभाष नेताजी के यहाँ सुभाष को पजम्मा राम नरेश करे। हेलो और ये 50 रुपए राज बहादुर यादव, 50 रुपए डॉक्टर शिवा यादव और 50 रुपए जसकरण यादव, 10 रुपए सनी यादव, 100 रुपए राम नरेश फौजी के पिताजी उनकी तरफ से ही, 21 रुपए हिमेश यादव, 10 रुपए गोलू यादव, 50 रुपए श्याम कुमार फौजी उनकी तरफ से धन्यवाद। अब ध्यान रखना जाकर पूरे नगर में तहलका मचाओ, काऊ के कपड़ा काऊ के यहाँ, काऊ के काऊ के यहाँ। और जो धोबी के घर पर पंचायत जुड़ी क्यों रे जी बता, जय कपड़ा गए हमारे धोए भाई, धोबी ने हाथ जोड़े कही पूरे गांव में, भैया तुम कपड़ा नुकू रो रहे हो, मैं ही भैया रवाई बिगड़ गई, तुम्हें मालूम है मोए तो पहचान थी ना है भैया, कहूं इलाज को ले जाऊंगा, निका भाई जैसे आता तैसे ले जाओ सब, ध्यान रखना श्रोता बंधु। अब धोबी ने कही है कि सुनना रही, अब तू यही रही है घर में, कपड़ा धोबे हम मन जाइए, बिल्कुल ना तू यहां रहे कपड़ा धो के मैं लाऊंगा। आज घर में हाथ मर को घूंघट मर गो अर्जुन को, शाम सवेरे झाड़ू लगा में, रोटी बना में, रोटी खवा में, सोता बंधो। एक महीने का समय निकल गया, एक महीने का समय निकला है तो कुंती पुत्र अर्जुन जैसे महारथी का हाल क्या हुआ धोबी के घर में, कैसे अरे मनमोहन भाज गाओ भैया, धरती
बढ़िया पढ़ाई करना चाहते हो मोबाइल का इस्तेमाल कम कर देना। कोई अगर गाना सीखना चाहता हो और वो गाना चाहे मोबाइल का इस्तेमाल कम कर देना। आपने सुना होगा जो पूरे वर्ल्ड में जो खेल हुआ था फौजी, उसमें जो लड़की पदक लेकर के आई थी हिंदुस्तान में, उसका जिस समय इंटरव्यू लिया गया था उस बिटिया ने कहा था कि मैंने 6 महीने से मोबाइल को अलमारी में रख दिया, तब मैं यहां तक स्वर्ण पदक ला पाई भारत। तुम्हारी जितनी भी मेमोरी है मस्तिष्क की और शरीर की 50% आ जाता है ठीक आधा मोबाइल। तो बेटा जिंदगी को अगर बढ़िया चाहते हो तो सबसे दुश्मन बड़ा है तो ये मोबाइल कान में सुन लो क्या। अरे तीन बरस को घर में निवास करते थे। चार पुत्र पैदा हुए, चार बेटा हो गए थे अर्जुन की काया से। 12 वर्ष का समय निकल गया था, 12 वर्ष का।
12 वर्ष का वही अंतिम दिन है। सो धोबिन ने कही कि सुनतनाओ और तुम्हारी संग तुम वो यहाँ डरी छोड़ जाते हो जो बालक यहीं परे रहते हो तुम चले जाते हो कपड़ा धोबे तो बा हमें संग नहीं चलो कर तो हम दुब्बा देव करेंगे यहाँ हम ही क्या करते हैं। धोबिन की चुप बाद ना बिगड़ गई सो तो आज तक ना सुधर पाई और फिर जा बैठो रही है ये महाराज कैसी बात कर तो तुम्हारी संग तुम तो पागल है अब तुम ऊपर बालक हुए चारे। धोबी ने विचार करो मन में कहीं सही रही है चलो तब तो अकेली अब जा चार बालक और हुए अब कहा जा भाई तो सुन कपड़ा बांध इकट्ठे कर चल के फिर जे बालक के बालक नु संग ले चल। तो आज धोबिन ने वस्त्र इकट्ठे किए हैं और गठरी बांध के धरी है तो धोबी आगे चल रहा है चारों बालक बीच में और सबसे पीछे धोबिन आज उसी घाट पर वस्त्र धोने के लिए आ गए। तो जैसे ही कपड़ा उतारे अरे जब गठरी तुरातायु तारी जितने नौजवान लड़के जब नौकरी पैसे आते हैं तो बढ़िया खाने को मिलता है